हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। XUV 500 एक काफ़ी ज़्यादा जाना माना नाम है हमारी इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, और जो इसका नया जनरेशन आने वाला है उसे कई ज़्यादा हमको स्पाई शॉट्स मिल रहे हैं बड़े बड़े हमारे ऑटोमोटिव पोर्टल्स पे, ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए इसके बारे में कि आपको इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन ऑप्शन और क्या क्या नए फीचर गाड़ी में मिलने वाले हैं। तो समय को वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर से। तो एक्सटीरियर के जो स्पाई शॉट्स हमको मिले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्टैंस लुक आ रहा है गाड़ी को, एक ब्रॉड स्टैंस गाड़ी को दिया गया है। बात करते हैं अप्रोच और डिपार्चर एंगल की, तो वो भी गाड़ी कई ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं इस बार। फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को वापस से महिंद्रा का सिग्नेचर ग्रिल मिल रहा है। हेडलाइट्स की बात करते हैं तो हम लोग को स्प्लिट हेडलाइट्स आती हैं, और DRLs हम लोग को XUV 300 जैसे ही आते हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लुक देने की कोशिश की है कि दोनों जो सेगमेंट है वो एक जैसा लगे। दूसरी बात बताऊँगा कि गाड़ी का जो स्टैंड है वो थोड़ा वाइड कर दिया गया है और एक काफ़ी ज़्यादा क्लियर और कंपोज लुक देने की इस गाड़ी की कोशिश की गई है। साइड प्रोफाइल देखते हैं तो साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लग रही है, मतलब रोड प्रेजेंस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बेस की बात करते हैं तो चारों डिस्क ब्रेक आने वाला है, और टायर साइज की बात करते हैं तो हम लोग को 18 से 19 इंच के व्हील्स इसमें एक्सपेक्टेड हैं। अब रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल में जो टेल लाइट आते हैं वो या तो हम लोग को स्प्लिट मिलेंगे या तो हम लोग को वर्टिकल मिलेंगे, क्योंकि पीछे का जो स्पाई शॉट्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है, वो कैमोफ्लेज अभी भी आ रहा है। बट जो फ्रंट का जो पूरा DRL सेटअप है और लाइट है उससे स्टाइलिंग गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। अभी भी जो मॉडल आती है वो भी ये काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक है, बट ये एक और ज़्यादा डिटेल पैक होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है व्यूअर्स को ये एक्सटीरियर वाइज। अब हम मूव करते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इमेजेस जो स्पाई शॉट्स हमको मिले हैं उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एक ही में मर्ज हो गया है, जो कि आपको सोनेट या फिर बड़ी जो महंगी गाड़ी हैं GLS, G-Wagon उसमें आपको देखने ऐसा मिलता है। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर हो जाते हैं। दूसरी बात, जो अपहोल्स्ट्री है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं, और स्टेयरिंग की बात करूँ तो हम लोग को फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलने वाला है, जो कि एक प्रीमियम गाड़ी की फील आपको दिलाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंटीरियर में, हम लोग को AC की बात करते हैं तो वापस से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC हमको मिल जाएगा। चार्जिंग ऑप्शन हमको मिलेंगे ही मिलेंगे गाड़ी में, वो तो मतलब बहुत ही कॉमन बात है। उसके बाद बात करते हैं जो मेन फीचर गाड़ी के आ रहे हैं वो आ सकती है इसके इंटीरियर में, वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ, दूसरा है इसके पावर सीट्स और वेंटिलेटेड सीट्स। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के स्पेशल फीचर्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं इस प्राइस पॉइंट पे। तो ADAS आने वाला है, यानी सेमी ऑटोनोमस ड्राइव आपको मिलने वाली है, जो कि हाई एंड गाड़ी जैसे कि वॉल्वो या तो अभी जो MG की क्लस्टर आई है उसमें आपको ये मिल सकता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल सकता है आपको, लेन चेंजिंग असिस्ट, और काफ़ी ज़्यादा एक ऑटोनोमस व्हीकल ये बन जाती है। सेमी ऑटोनोमस व्हीकल के काफ़ी ज़्यादा फीचर आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं, जो कि वापस से सेगमेंट को हिलाने के लिए काफ़ी है। उसके बाद हम लोग इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, गाड़ी में इंजन में हमको क्या क्या मिलता है। तो हम लोग को इस बार हो सकता है कि 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिले और 2.2 लीटर का डीजल जो अभी आ रहा है वही मिले, बट उसकी ट्यूनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, जो कि 180 BHP तक की पावर जनरेट कर सकता है। अभी मतलब कोई ऐसा क्लियर नहीं है कि इतना ही क्या पावर कितना टॉर्क आएगा, बट एक ज़्यादा अच्छा इंजन हमको मिलने वाला है। और वहीं पे ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं तो हम लोग को 6 गियर का ऑटोमेटिक और 6 गियर का हम लोग को मैनुअल ट्रेनी मिलने वाली है इस गाड़ी में। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर महिंद्रा वाले अच्छे से इसके जो सेगमेंट्स हैं जो इसके मॉडल से डिवाइड करते हैं तो हर एक बायर के लिए एक XUV हो जाएगी, जो एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अब मोनोकोक चेसिस तो गाड़ी की होने वाली और प्लेटफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है इस गाड़ी से। दूसरी बात बात करते हैं इसके ऑल व्हील ड्राइव के फंक्शन के बारे में, तो यस ऑल व्हील ड्राइव भी हम लोग को इस गाड़ी में मिलने वाला है, तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात ये भी हो जाती है। अब एक्सटीरियर की वापस से बात करूँ तो आगे से तो काफ़ी ज़्यादा रिवील गाड़ी की गई है, बट ओवरऑल जो पूरा एक प्योर लुक आता है वो ज़्यादा रिवील नहीं किया, लेकिन हमारे पास ये फ़ोटो हमारे हाथ लगी जो कि एक काफ़ी अच्छा रेंडर मेरे को लग रहा है इस गाड़ी के बारे में। तो अगर ये गाड़ी इसी मॉडल या इसी डिज़ाइन में लॉन्च होती है तो ऐसा अगर प्रॉपर लुक आता है तो ये गाड़ी वापस से सेगमेंट किल करने वाली है, जो कि वी आर डैम श्योर अबाउट इट।
बात कर लेते हैं गाड़ी की प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो प्राइस महिंद्रा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रखने वाला है इसको, तो 17 लाख से या 18 लाख से 26 लाख तक आपको ये गाड़ी ऑन रोड पड़ जाएगी। मतलब ये एक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस है अभी के मार्केट के हिसाब से। और लॉन्च डेट की बात करूँ मैं तो ये मार्च में या 2021 की फर्स्ट हाफ में ये गाड़ी इंडियन मार्केट में उतार दी जाएगी यानी लॉन्च कर दी जाएगी। तो एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पैक होने वाला है ये, फीचर्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक वाइज भी ये गाड़ी आने वाली है। तो अगर आपको XUV लेना हो तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी वापस से एक सेगमेंट किलर होने वाली है और ये एक अच्छी बात महिंद्रा को होने वाली है। तो फिलहाल इस 7 सीटर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाया। तो वीडियो हल्की सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन ज़रूर दबाएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।